अब इस प्रकार देखने तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि आज का दिन हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है आज के दिन। और आज के दिन मोरनी टिकरदार और थापली के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा बहुत सी परियोजनाओं का एक आगाज किया गया, एक उद्घाटन किया गया। और सबसे बड़ी जो आकर्षक का केंद्र है वो रहा टिकरदार। टिकरदार में पैराग्लाइडिंग, जेट स्टिंग और रिवर राफ्टिंग का उन्होंने उद्घाटन ही नहीं किया, खुद भी उन्होंने जेस्टिंग यानी मोटर जो बोट होती है वो चलाया। और उसके बाद जैसे आपको पता कि अर्थ प्रकाश की टीम वहां पर मौजूद थी और मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न किया कि आपको ये कैसा लगा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों को हम 50% तक कंसेशन देंगे। और उसके बाद हमने जो प्रश्न किया मुख्यमंत्री जी के साथ कि आपको ये कैसा लगा, सरकार चलाना आसान है कि ये मोटर बोट चलाना आसान है, तो मुख्यमंत्री जी ने जो बातें की हम आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर दिखाएंगे। और उसके बाद विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और कल का दिन जो एक विशेष रहा, और मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हरियाणा सरकार सिर्फ टिकरदार ही नहीं, हरियाणा के अंदर जो भी टूरिज्म के केंद्र ऐतिहासिक जो भवन है उनको हम मरम्मत करेंगे और टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, इसके आकर्षक का केंद्र बनने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, उन्होंने ये भी बताया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे आपको पता है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के जो महान एथलीट्स थे, सरदार मिल्खा सिंह जी उनका देहांत हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां पर यह भी कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी का, डेमोक्रेटिक स्टेट का, डेमोक्रेटिक कंट्री का रहने वाला हूं, इसलिए मैं यहां पर लोकमत पर विश्वास करता हूं। तो उन्होंने सभी पत्रकारों बंधुओं से पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत है कि इस क्लब का जो यहां पर होगा टिकरदार में उसका नाम सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखा जाए। तो सभी ने एक ध्वनि मात्र से यानी उत्साहित होते हुए ये उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया। और वहां पर संदीप सिंह जी भी जो अपने खेल मंत्री हरियाणा के, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात को अपनी मोहर लगा दी। और उसके बाद ये हरियाणा प्रदेश, ये काबिलियत तारीफ है कि सरकारें जो काम करती है उसको हमें भी आगे कहना चाहिए। ये काबिलियत तारीफ है कि हरियाणा सरकार का एक खिलाड़ी के प्रति जो हम कह सकते हैं श्रद्धांजलि, वो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा पहला राज्य बना जिन्होंने सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम पर क्लब का नाम रखा। और उसके बाद बहुत सी परियोजनाओं का उन्होंने थापड़ी के अंदर किया, उद्घाटन किया। तो यानी कहने का मतलब आज का दिन हरियाणा के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि हरियाणा टूरिज्म के अंदर एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। ये मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की रिपोर्ट थी। और जो कुछ वहां पर हुआ, जो मेरी बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, वो हम आपको तृतीय बाई इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। कैसा लगा ये? कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहले सीएम हो, पहले बाहर भी जाए, आज भी आपने पहली बार किया। सीएम साहब कैसा लगा? लेकिन सब लोग इसका आनंद लेना है, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। कोई आप लोग पत्रकार जाएंगे तो 50% कंसेशन करा देंगे। सीएम साहब, एक्सपीरियंस ड्राइविंग की कैसी लगी आपको? देखिए, पानी के अंदर मोटरसाइकिल जी, इतना ही आनंद है कि जमीन जो है समतल रहती है, पानी जरा आपको बताएंगे आती है। नहीं, सवाल सर ये कि सरकार चलाना आसान है या ये चलाना आसान है? दोनों तरफ ही पानी है जी। एक चुटकुला किसी ने मुझे सुनाया था जी, कहने लगा जी मुझे सिर में दर्द, मालिक कहता पीछे नेताजी थे, नेताजी ने कहा कि नाव मैं चलाता हूँ जी। ड्राइवर ने कहा साहब ये कार है, कार सरकार नहीं है, कोई भी चला लेगा। आज हमें दोनों ही चला लिए, सरकार भी चला रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, हमारा अनुभव अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। चलो वहाँ से भी पानी से निकल रहे हो, यहाँ से भी पानी से निकल के आए सही सलामत, वहाँ से भी पानी से निकले हो, सरकार चलाने में मुश्किलें चले फेस हुई यार, यहाँ पर भी कुछ नहीं होती है, संकल्प ये मजबूत होना चाहिए। यानी आपके दोनों तरफ संकल्प सुदृढ़ है, पक्का होना ही चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए, मेरा ही नहीं रहना चाहिए, आपका भी रहना चाहिए, सबका रहना चाहिए। संकल्प यदि पक्का है तो हमें सबका जरूर है। सब कुछ चीजें टूरिज्म डिपार्टमेंट करेगा, कुछ प्राइवेट वाले भी करेंगे, क्योंकि अब ये जो बड़ा विषय है एयर बलून हॉट एयर बलून, ये प्राइवेट ही चलेगा। प्राइवेट पार्टी को जो आज आई हुई थी उसी ने इस जगह की बजाय वो जगह सेलेक्ट किया है,
तो सारी जैसे ही फाइनल करेंगे फॉर्मेलिटी पूरे होते हैं, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई महीने में, कोई दिन में, आज समझो इसकी शुरुआत हो गई है, तो अभी ये अपने आप ही चीजें आगे बढ़ते जाएगी। सीएम साहब वो 50% वाली बात पक्की है पत्रकारों वाली? हाँ जी, पत्रकारों के लिए। हाँ जी, राइडिंग का किसका है ये राइडिंग वाला? 50% वाली बात है वो तो अटल बिहारी को माउंटेनिंग स्ट्रीट से मंगवाया नहीं, हम लाएंगे ना। यस सर, हम जब लाएंगे तो कम से कम उस एक आइटम में जिसका आनंद ले। हाँ 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 जी, हाँ जी, ये चाहिए जी। लेकिन चढ़के भी ले तो उसकी 50% का कम से कम साल में एक ट्रिप वो कम दे दो सबको। हम एक दिन जर्नलिस्ट की फ्री कर देंगे। नहीं नहीं, वो एक दिन में सारे नहीं आएंगे। नहीं, और वो दीदी पूरा जी पूरा करो जी, वो कच्चा पक्का जी। पत्रकारों को कूपन दे दो, जब जो कूपन लेके आए उस दिन उसको 50% का। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल एग्री जी, एग्री। सीएम साहब बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, पूरी तरह श्रद्धांजलि है जी। कल ही हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप जैसे साथियों ने पूछा कि आप हरियाणा में उस समय से चल रहा था, तो लगातार शाम को रात को सोचा बिल्कुल ठीक है। सबने जैसे आपने एक सौ से कहा हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। प्लान मिल्खा से क्लब रहेगा। हाँ जी, उस क्लब की बाकी रूल रेगुलेशन सब बनेंगे, लेकिन बहुत जल्दी उसका सर, ये फर्स्ट टाइम हरियाणा ही ऐसे इतना सम्मान दिया मिल्खा सिंह जी को, फर्स्ट टाइम। इसके बाद दोपहर बाद अभी शाम को हापली में एक कार्यक्रम हुआ, हापली में वहाँ जो फॉरेस्ट का एक हमारा बना हुआ है रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस से कहेंगे क्या कहेंगे, नेचर कैंप सर, नेचुरल कैंप है। तो उस कैंप में हम आयुष के माध्यम से जो पंचकर्मा सेंटर वो बनाएंगे, ताकि लोग एक नेचुरोपैथी के माध्यम से इलाज भी कराना चाहते हैं वो भी आगे करा सकते हैं। इस प्रकार का सेंटर हमारे आसपास नहीं है कोई, तो एक अच्छा सेंटर बनेगा, कुछ बनी हुई है, कुटीर बनी हुई है कहीं, तो और आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाएंगे, लेकिन आज उसका भी उद्घाटन करेंगे। और ट्रैकिंग रूट्स ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।